टीचर बहुत आ रहे हैं, लाइट होनी चाहिए थी ना, ये जो हुआ वो आपके सामने ही नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं साक्षी साहनी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं टीचर्स भवन में, जहां पर नो प्रूफ की तरफ से यहां पर ये सभी लोग मौजूद हैं और इसी के साथ ये लोग रहबरे तालीम के टीचर्स भी हैं और उसी से ताल्लुकात रखते हैं। इन सबसे हम ज़रा बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आज का जो प्रोग्राम रहा है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज नेशनल ओल्ड पेंशन रजिस्ट्रेशन फ्रंट जो नेशनल प्रेसिडेंट है बिपिन सिंह रावत जी, वो यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी के चेयरमैन फारूक अहमद तांत्रे जो रहबरे तालीम टीचर फोरम के चेयरमैन भी हैं, उनकी क्यादत में यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से मुलाजमीन आए हुए थे पूरे जम्मू कश्मीर से। तो हमारी आज ये हम सब मुलाजमीन ने अहद किया कि जब तक हमारा ओल्ड पेंशन रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा, हम चैन सुकून से ना बैठेंगे तो ना ही गवर्नमेंट को बैठने देंगे। क्योंकि एक मुलाजम अगर 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करता है तो जम्मू कश्मीर में एक 2010 के बाद और हिंदुस्तान में एक 2004 के बाद जो भी मुलाजम एम्प्लाई लगता है, जो भी मुलाजमत जिसको हासिल करता है उसको पेंशन बंद कर दी गई है। उसके बरक्स अगर देखा जाए एमएलए अगर एक साल के लिए बनता है, एमएलसी बनता है, एमपी बनता है राज्यसभा या लोकसभा में, उसको पेंशन मिलती है। जितने बार वो एमएलए या एमपी बनेगा उसके साथ उसके और भी इंसेंटिव्स मिलते जाते हैं। जो एक साल सर्व करेगा, दो साल सर्व करेगा, उसको अगर पेंशन मिलती है, जब एक विधान एक प्रधान एक निशान है तो फिर मुलाजमीन के साथ इनजस्टिस क्यों? तो अब आज हमने बिपिन सिंह रावत जी की क्यादत में, फारूक अहमद तांत्रे साहब की क्यादत में सभी मुलाजमीन ने, जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने ये अहद किया है कि हम ये लड़ाई अब ज़मीन पर शुरू कर देंगे और तब तक नहीं बैठेंगे, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, तमिलनाडु में जाना पड़े, केरला में जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाएंगे और सारे मुलाजमीन को हम जगाएंगे और हमारा जो हक है मुलाजमीन का, इतने साल स्ट्रगल करने के बाद इतने साल हम अपना तन मन धन गवर्नमेंट सर्विस में लगा देते हैं और हमें पेंशन नहीं मिलती है, जब तक हमें पेंशन रिस्टोर नहीं हो जाएगी, ओल्ड पेंशन रिस्टोर नहीं हो जाएगी, हम ना चैन सुकून से बैठेंगे और ना इन जो हमारे रूलर्स हैं इनको बैठने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, देखा गया कि आज पहले जब आप शुरू करने वाले थे तो उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी परेशानी देखने को मिली थी, पर लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई तो उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो देखा गया कि काफ़ी अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ था और काफ़ी अच्छे तरीके से चला भी है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर करना चाहेंगे? बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स की, जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम टीचर्स, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एसएससी की लड़ाई लड़ी है और एसएससी सैलरी को डीलिंक करके स्टेट रजिस्टर के साथ लिंक करवाया है। ये बहुत बड़ी तंजीम है, इसका हर यूनिट जोनल लेवल पर होता है, ZDO लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, प्रोवेंशल लेवल पर होता है, फिर जाके यूटी लेवल पर होता है। लिहाजा ये जम्मू कश्मीर के पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यहाँ पे आज मुजाहरा हुआ है। पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, जोनल प्रेसिडेंट हजरात थे और उनके साथ बॉडीज थी। अभी हमने मैन पावर को नहीं बुलाया, हमने कॉमन टीचर्स को नहीं बुलाया, आज हमने डिबेट के लिए अपने लीडर्स को बुलाया। आप डिबेट्स में हमें मशवरा दो कि हमने किस तरीके से NPS को स्क्रैप करवा के OPS रेस्टोर करवाना है, हमें सड़क पर जाना है तो या नहीं जाना है, तो आप हमें अपने डिबेट्स में अपने स्पीचेस में यह बता दो। सिर्फ लीडर्स को यहाँ पर बुलाया है, जब हम टीचर्स को बुलाएंगे 21,000 हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो NPS में आते हैं सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में 21,000, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 21,000 में से 15,000 किसी भी सूरत में सड़क पे आएंगे और जिस दिन वो आएंगे उस दिन इस सरकार की नींदें हराम हो जाएंगे। पर लेकिन ये भी देखा गया था कि आज तो दो दो दिन का फासला जो है, दो दो दिन का सफर जो है वो तय करके यहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे। ये सब देख के एक मतलब किस तरह से आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करते, एक ताकत एक जोश जो है वो भरा हुआ दिखाई देता है, आप किस तरह से इसे बयान करें? देखो, इनका लीडर खुद पंतियाल के पास एक रात नाइट गुजार के आया है। मैंने पंतियाल के पास रोड ब्लॉक की वजह से एक रात गाड़ी में गुजारी है, फिर दूसरे दिन यहाँ पे पहुँचा है। मैं बाई एयर भी आ सकता है, पर मैंने अपने टीचर्स को सिग्नल दी कि आपका लीडर पैदल जा रहा है, किसी भी सूरत में ब्लॉक हो सड़क, आपको भी मेरी तरह आना है। कुछ लोग मेरे बाई एयर आए हैं, तकरीबन 150 टीचर्स फ्रॉम कश्मीर, वो बाई एयर आए हैं और 100 के करीब टीचर्स जो बाई फुट मेरे साथ आए हैं रोड ब्लॉक करके, और मैं भी एक रात पंतियाल से गुजार के यहाँ
पे आया हूँ उनको दिखाने के लिए, आई एम अमंग यू, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, लीडर यहाँ पे हमारे मोदी जी हैं, हम लीडर नहीं हैं, हम उनके खिदमतगार हैं। हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी आपसे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई ये झगड़ा नहीं है, झगड़ा इतना है आप खुद OPS में हो, हमें भी OPS में लाओ, एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग, वन टैक्स GST एंड वन पेंशन स्कीम, दैट इज़ OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। हमारा यही मुतालबा है कि इसको रेस्टोर करो और लड़ाई ख़त्म करो। रावत साहब, आज देखा गया कि यहाँ पर काफ़ी मुश्किलातों का सबको सामना करना पड़ा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो लाइटिंग की प्रॉब्लम हो, पर लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इन सब ने आज फिर भी साथ दिया है, एक सब के सब एक साथ एक दीवार बनकर खड़े रहे हैं, तो आप मतलब किस तरह से इसे देखते हैं, किस नज़र से इसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे आए हैं पुरानी पेंशन OPS बहाली के लिए, और जैसे कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में एक जन आंदोलन का कार्यक्रम कर रहा है, एक जन आंदोलन की आवाज़ पुरानी पेंशन OPS बहाल करने का जो प्रयास कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हम उत्तराखंड में थे, फिर लखनऊ, बरेली, बाराबंकी, इस तरीके से लगातार ये आवाज़ बुलंद होती जा रही है। और ये सच है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से अगर कोई आवाज़ उठती है तो ये दिल्ली तक पहुंचती है। आज पूरे मीडिया की नज़र, पूरे देश की नज़र जम्मू पे थी, और जम्मू से ही हमने आह्वान किया सभी NPS कार्मिकों से कि आने वाले 1 मई को आप संसद मार्च घेराव में अपनी भागीदारी निभाएं। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 से पहले पुरानी पेंशन बहाल करके हमें एक तोहफा दें। जिस तरीके से आप किसानों के लिए आप किसान बिल चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से NPS काला कानून ख़त्म करके आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, नहीं तो आपको 2024 में NPS कार्मिकों की एक बहुत बड़ी आर पार की लड़ाई है, आपको जाना होगा, या तो पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, नहीं तो आपको जाना होगा। तो आप लोगों ने सुन लिया कि इनका क्या बयान है, ये चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसे दोबारा से लागू किया जाए और नई वाली जो स्कीम है उसे कहीं ना कहीं रफा दफा किया जाए। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। क्या आप न्यू पेंशन स्कीम के साथ ताल्लुकात रखते हैं, क्या उसे सपोर्ट करते हैं, ये भी कमेंट्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन, साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सुरजीत भगत, नमस्कार।